नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आम जनता बैंक के सामने विवश खड़ी है, किसान नोट के सामने विवश है। राजनीतिक सत्ता जनता से फायदा कर रही है कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन विरोधी मौजूदा समय को सबसे बुरे दिन बता रहे हैं। देश में लोकतंत्र का नया राग संसद और सरकार से नहीं, बैंक से मिलने वाले नोट पर जा चुका है। हालांकि इस मसले पर संसद में भी अखाड़ा बना है। संसद के सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष में जमकर जोर आजमाइश हुई। नोटबंदी पर लामबंद विपक्ष ने जहां इस काम को सरकार की नाकामी बताया, वहीं सरकार की ओर से भी विपक्ष पर करारे प्रहार किए गए। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए और फिर चर्चा भी। अब निर्णय करें तो पूरे देश को कलंकित मत करें। प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की तो मैं बाहर निकला तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा क्या बात है। मैंने कि बात यह है कि सामने खान मार्केट है, उससे सब्जी खरीदने के लिए पैसे अब नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है देश के आम जनता में जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई है। तय थी जिसकी तासीर, ये वो तस्वीरें हैं संसद के शीतकालीन सत्र का, दंगल का सबब बन गया। नोटबंदी पर नाकामी की माला सरकार के गले में डालते हुए कांग्रेस ने कह दिया कि डॉक्टरी पढ़े नहीं और सर्जरी करने चले हैं। क्या वास्तविक तौर पर जो पैसा हिंदुस्तान के बाजार में था, घरों में था, गृहिणियों के पास था, किसान के पास था, मजदूर के पास था, उसकी पगार का था, सरकारी कर्मचारी के पास था, क्या वो पैसा काला धन था? कांग्रेस की माने तो सरकार की दवाई में ही खोट है, क्योंकि मर्ज बड़ा है, यानी बड़े लोग हैं और सरकार आम जनता का ऑपरेशन करने पर तुली है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव ने कमान संभाली तो हर तीर केंद्र सरकार के सीने पर। प्रोफेसर साहब का आरोप है कि एक अनचाहे फैसले ने पूरे देश को बेवसी की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। पेड़ तो आम का लगाना चाहा था, लेकिन वो बबूल का निकल गया। उसमें इतने कांटे निकले कि देश की आम जनता को उससे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। कोई बड़ा आदमी लाइन में लगे हुए मैंने नहीं देखा। यानी सड़क पर लाइनों में लगी जनता जब उम्मीदों की नजरों से संसद की ओर निहार रही थी, तब रुपये पर राजनीति का रंग लाल पीला हो रहा था। जनता के जज्बातों की दुहाई देकर बहन जी भी बोली, नींद की गोली तो सरकार ने खाई है। बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के जो लोग हैं, उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया। सोच और फिक्र की गली से निकलकर नोटबंदी का मसला अब संसद के गलियारे में शोर कर रहा है। विपक्ष के तीखे वार हैं तो सरकार के भी धारदार प्रहार हैं। दोनों ओर से नोटबंदी पर दो दो हाथ हो रहा है। तो जनता की उम्मीद थी और उस उम्मीद पर खड़े उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा है। बहरहाल सवाल चंद मुट्ठी भर लोगों के चिंतन का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सियासत की भट्टी पर यह मामला भी पकने लगा है। दाल रोटी के जुगाड़ में दिन रात काटने वाला आदमी इन सियासी जुगालियों का सिर्फ श्रोता बन गया है, क्योंकि वो कल भी लाइन में था, आज भी लाइन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। नोटबंदी पर दो दो हाथ कर रही हैं इस देश के सियासतदान, चाहे संसद के अंदर का नजारा या संसद के बाहर सड़क का नजारा।
एवियसा और दोनों जो है केंद्र सरकार का विरोध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हिलाल नकवी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अमित पुरी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आसिफ महमूद जुड़ रहे हैं आरएलडी से, एसपी यादव राज्य मंत्री परिवहन कल्याण एवं स्वास्थ्य ओबीसी हमारे साथ रहेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ सर, नोटबंदी पर जो नजारा हमने आज देखा राज्यसभा में और उसके बाद सड़क पर भी जो नजारा था, क्या समझा जाए नोटबंदी पर दो दो हाथ इस देश के सियासतदान कर रहे हैं, कितना हल निकलेगा इस समस्या का? देखिए, हल क्या निकलना है, जो होना था वो हो गया जी। सरकार को एक निर्णय लेना था, सरकार ने ले लिया, केंद्र सरकार ने। अब मसला है कि इससे जो दुश्वारियां हैं उनको कैसे कम किया जाए। निर्णय तो हो गया, अब निर्णय की मेरिट डिमेरिट पर समय खराब करने से कोई लाभ नहीं होना जी। अब ये देखिए कि इससे जो दुश्वारियां पैदा हुई हैं जमीन पर, उनका हल कैसे निकले। बहुत सारे लोगों ने आज अच्छे सुझाव दिए, कुछ सुझाव मायावती जी के अच्छे थे आज, कुछ बहुत व्यवहारिक बातें प्रोफेसर रामगोपाल ने कही, और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भाषण आनंद शर्मा ने दिया कांग्रेस ने। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की बात भी सुने, वो लोग भी जनता के बीच रहते हैं, देख वो क्या कह रहे हैं। जनता की समस्याएं केवल भाजपा ही जानती है, ऐसा मत मानिए। जहां से भी सुझाव मिले राहत के गरीब आदमी को, वो सुझाव मानिए। ये दो दो हाथ हो रहे हैं, लेकिन आज अभी हमारे सहयोगी हैं, यहां दिल्ली ऑफिस में काम करते हैं, छायाकार हैं, उनके एक रिश्तेदार दिल्ली में 48 साल की उम्र में चल बसे हार्ट अटैक से, 3 दिन से लाइन में लग रहे थे। इस तस्वीर को तो रोकना होगा, आर्थिक सुधार होने चाहिए, लेकिन इस तरह से लोग मरेंगे, हाहाकार होगा नहीं। मैं आज भी विषय फिर इसीलिए लेके आया, मोदी जी ने क्या किया, अब उस पर बहस तो कुछ निकलेगा नहीं जी। ना मोदी जी सुनने वाले, मान लीजिए 3 दिन तक बहस भी करो तो प्रधानमंत्री जी तो नहीं सुन रहे, उनको जो करना था कर दिया। अब सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं वो देखिए। एक सुझाव मैं रखता हूं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को चाहिए, कांग्रेस इस बात को देखे, कुछ राज्यों में उसकी सरकार है, कि वो इस बात के सख्त निर्देश दें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि अगर नोटबंदी के ड्रामे में एक भी मरीज का इलाज रुका तो अस्पताल में ताला लग जाएगा। इतना सख्त आदेश दीजिए तब गरीब को राहत मिलेगी। अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना सख्त आदेश नहीं दिया, लोग अस्पताल में भटक रहे हैं, मंगलसूत्र गिरवी रख के लाश ली जा रही है। ये परिवर्तन करने होंगे। पार्लियामेंट में बहस अलग मुद्दा है, जमीन पर जो दुश्वारियां हैं वो बड़ा सवाल है, और मेरी चिंता जमीन की दुश्वारियां ज्यादा है। अमित पुरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, इन दुश्वारियों पर किस तरीके से काम होने वाला है? अमिताभ जी को आपने सुना, कई मौतें हुई हैं, ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। हाँ पंकज, सवाल क्या है आपका? दुश्वारियां दूर कैसे होंगी, अब जो फैसला हो चुका है वो तो हो गया, सियासत पंकज, जहां तक ग्राउंड के ऊपर सवाल है, ये मैं स्वीकार करता हूं कि सब बिल्कुल एकदम स्ट्रीम लाइन है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और जहां तक इस बात की बात है जिसको अमिताभ भाई ने इंगित किया, उनमें से बहुत सी चीजें हम भी समाज में रह रहे हैं और बहुत सी चीजें दिख रही हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। और मैं खुले मन से कह रहा हूं कि लोकशाही में सरकार कभी भी आंख बंद करके किसी की भी हो चलाई नहीं जा सकती। तो जहां तक कंसेशंस का सवाल है, गवर्नमेंट बहुत ओपन है,
बीच बीच में कई सारे मेजर्स लिए गए, इसके बाद भी अगर कुछ सजेशन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर से आते हैं, जहां तक प्रो पीपुल प्रो पब्लिक की बात है, गवर्नमेंट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। हम उसके कतई खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ब्लैक मनी के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ नहीं। अमिताभ जी, ठीक। अमित पुरी जी एक प्रश्न मेरा, इस देश के किसान को बीज का संकट, खाद का संकट, एग्रीकल्चर का कैलेंडर अरुण जेटली जी के कैलेंडर से नहीं चलेगा, आरबीआई के कैलेंडर से नहीं चलेगी फसल अपने कैलेंडर से चलती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। एक बात थी, सहकारी समितियों से किसान को पुराने नोट पर खाद और बीज खरीदने की छूट क्यों नहीं हुई? इस देश का किसान चोर है? इस देश का किसान ब्लैक मार्केटियर है? इस देश का किसान भ्रष्टाचारी है क्या? सहकारी समितियों से पूरे भारत में किसान को पुराने नोट से खाद और बीज खरीदने की छूट क्यों नहीं हुई? बुवाई का जो नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरपीआई, सीपीआई सब मिलके भी नहीं कर पाओगे। पूरी साहब, बिल्कुल सही अमिताभ जी आप कह रहे हैं, देश का लगभग 80-85% किसान छोटी जोत का किसान है, यानी कस्बे पे खेती करता है, और उसकी दुश्वारियां अपनी जगह पे है, और आपका ये सुझाव निश्चित रूप से उचित है और यथा स्थान इसके ऊपर कार्रवाई के लिए इसको संज्ञान में ला दिया जाएगा। तमाम सारी चीजें और चल रही होंगी, मैं उन पे नहीं आ रहा, मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं और सारी चीजों की बात नहीं कर रहा। इस समय जो भी पॉजिटिव सजेशन आएंगे, जो इस इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड जीरो पर प्रो पब्लिक बनाने के लिए जरूरी है, सरकार हर उस सजेशन को और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते से हम सब उस सारे सजेशन को सरकार के सामने लाकर एक निश्चित कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है पुरजा, हम देखेंगे भविष्य में क्या होता है। यादव जी, एसपी यादव साहब, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, यादव जी आपसे दो प्रश्न, अपने कलेक्टर और कप्तानों से कहिए शहर में निकले जाए, अस्पतालों में जाए, बैंकों के दरवाजे खड़े हो, व्यवस्था बनवाएं, गरीब की मदद करें। एक तो ये सुझाव आपके लिए, आप हुकूमत उत्तर प्रदेश हो, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, मेरे लिए ये बहुत बड़ा कोई मसला नहीं कि रजिस्ट्री में 24 तारीख तक पुराने नोट चलेंगे ना? मैं आज भी ननकू और रज्जाक की चिंता में हूं। बात जो आज रामगोपाल जी ने कही, भट्टा मजदूर हैं और मजदूर हैं, बिल्डर के यहां काम करने वाले मजदूर होते हैं, दूसरे किस्म के लेबर हैं, इनके भोजन की व्यवस्था, इनके जीवन यापन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सर, इनने जो किया तो किया भाजपा ने, आप सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है, इसको अच्छे से निभाएंगे। यादव जी, देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो है कि काले धन के खिलाफ समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया की जमाने से जो है लड़ती चली आ रही है, और हम भी काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने एक तुगलकी फरमान आधी रात को जारी कर दिया बिना कोई तैयारी के, अगर गरीब आदमी भी शादी ब्याह करता है तो एक महीना एक साल से तैयारी करता है, और इन्होंने एकाएक आज किसान जो है बीज के लिए, पानी के लिए जुताई नहीं हो रही है, खाद के लिए आज वो परेशान है, दर दर भटक रहा है, और इसके अलावा जो है शादियां इस समय हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों की जो सिख ईसाई सबकी शादियां चल रही हैं, और तमाम जो शादी नहीं हुई आपके चैनलों से ही पता चला है, वो हार्ट अटैक हो गया, कोई महिला मर गई, कोई पुरुष मर गया, तो मोदी जी ने कहा है कि 50 दिन हमको चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कितना जिंदगी चाहिए इनको, क्या 1000-2000 कितना जान चाहिए आपको, तब आप जो है डिसीजन लेंगे कि जो है जनता को राहत दें।
और मेरी मांग है कि जो जिनकी मौत हुई है उनको केंद्र सरकार कम से कम एक एक करोड़ रुपया मुआवजा दे। ये तुगलकी फरमान से नहीं चलेगा देश। और जो काला धन और ब्लैक मार्केटियर्स के बल पे चलने वाली भाजपा आज वो काले धन के, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का, उस चुनाव को देखते हुए जो है इन्होंने ये निर्णय लिया है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और जहां तक सवाल है, मेरा ये भी आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो इन्होंने मना कर दिया है कि पुराने नोट नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां रिलायंस SLR ये कैसे जो है पेट्रोल पंप को अलाउ कर दिया है कि पुराने नोट से तेल भरवा सकते हैं। तो ये जो है कार, और ये इन्होंने जो कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि कारपोरेट बॉम्बिंग है। और इसमें प्रदेश में आपका राज है ना, लाठी हाथ में लो यादव जी, आप तो भैया पूरब के आदमी हो, लाठी हाथ में लो, कप्तानों पे आपने सवाल किया था, सीधा खड़ा करो सीधा। देखिए ऐसा है, जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, दर्द इन्होंने दिया है। कलेक्टर और कप्तान निकलने चाहिए सड़क पर, इतना बड़ा दर्द है, बहुत जो है ये बलहम लगाने से नहीं होगा। अरे उसे बदलना बंद कर दे रे, जनता बता दे कि हम भी अभी कल ये बात तीन दिन में क्षेत्र में था, हमने वोट आपको भी दिया है यादव जी, हमने आपको भी वोट दिया है, तो हमारा हक आप पर भी है, अमितपुरी की पार्टी पर भी है। फिर आएंगे आपके पास अमितपुरी सरकार कर रहे हैं। एक प्रश्न आपसे, मेरा मोबाइल चला रहे हैं, ये कौन सी है?